हेलो फ्रेंड, प्रिज्मा 3D में बहुत सारा मॉडल तो हम बना लेते हैं, पर उनको सेव कैसे करें, कहाँ पे सेव किया जाता है, उसके बारे में आज बताने वाले हैं। उनको सेव करने का फ़ायदा तो ये है कि हमें वो मॉडल बार बार बनाना नहीं पड़ता है, और उसे एक बार बना के सेव करने के बाद हम किसी भी नए प्रोजेक्ट में उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं उसे कैसे सेव किया जाता है और किस तरीके से। स्क्रीन के अपर कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको टिक मार्क का एक निशान दिखाई देगा, उसको आप टिक कर ले। टिक करने के बाद वो ब्लू मार्क में बदल जाएगा। अभी इन सारों को एक एक करके सिलेक्ट कर देना है और धीरे धीरे करना है ताकि कोई भी एक छूट ना जाए। अभी नीचे रो में दिए हुए ऑप्शंस में से ग्रुप को क्लिक कर देना है, तभी नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इस ग्रुप को हमें रीनेम करना है हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग, ताकि हमें नाम से मॉडल का पता चले वो कौन सा मॉडल है। जैसे कि ये हमारा हाउस का मॉडल है, तो हमें न्यू नेम में हाउस डाल देना है। तो हम लिख लेते हैं हाउस 1 और उसके बाद ओके। अभी आप देख सकते हो हाउस 1 राइट साइड में आ चुका है। आप इसको थोड़ी देर होल्ड करके उसको ड्रैग करके ले जाएंगे स्क्वायर बॉक्स जो लेफ्ट अपर कॉर्नर में, उसमें 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अब इसको देखना कैसे, स्क्वायर में फिर से क्लिक करके और हाउस 1 दिखाई देगा नीचे, उस पर क्लिक करने से हमारा मॉडल आ जाएगा। अब ये मॉडल रेडी हो चुका है हमारे किसी भी नए प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए। इस मॉडल को हम यहाँ पे किसी भी तरह का एडिट कर सकते हैं, इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐड तो हमने सीख लिया, अभी हमारा बहुत सारा मॉडल हमने ऐड करके रखा है, इसमें से किसी को डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है, तो उसे हम कैसे करें। उसके लिए हमें फिर से स्क्वायर बॉक्स में जाना है। जाने के बाद मॉडल को हम डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं, उस मॉडल पे क्लिक एंड होल्ड करना है, उसको डिलीट प्रीसेट में कर देंगे, तब ये रिमूव हो जाएगा।